बाहर के खेला है दो हाथ अरे क्या कर रही हो माँ संभालो बैठ अच्छा माँ एक बात बताओ हाँ माँ ये शतरंज में घोड़े और हाथी के अलावा लकड़ बग्गा भी होता है क्या नहीं नहीं वो नहीं तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है जाए यहाँ से चल चल चलो कंसंट्रेट करो गेम में नमस्ते बहन जी कैसी हैं आप बहन जी आइए 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 कैसे आना हुआ ओ हो जरा देखो तो सही तुम्हारी बेटी से तो लंबे तुम्हारे बाल हो गए मैं तो कहती हूँ तुम्हारी बेटी से पहले अपने बालों की शादी करवा दो अरे बहन जी बालों की शादी करवा दूंगी तो बाल विवाह हो जाएगा मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके आई थी तो मैं ये सोच रही थी ये ना संडे को बिल्कुल फ्री है अगर देव भी फ्री है तो हम दोनों को भगा दें कहीं मतलब माफ करना बहन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है लड़की के गुण देखे जाते हैं तो बहन जी आपने क्या समझा कि अपनी बेटी को हमने गुण नहीं दिए इसका गाना बेटी गाना सुनाना जरा फिर वापस ऐसे वाह बहुत अच्छा गाया घर का काम वगैरह कुछ सिखाया कि नहीं अरे फाइट सिखाई इसको हमने अरे बेटा तुम क्यों घबरा गए हमने इसको संस्कार दिए कि पति पे हाथ नहीं उठाना सास को चाहे धो डालो क्या आपको यकीन नहीं है ना चलो बेटी धोके दिखाओ जरा पारो अरे पारो खबरदार जो मेरी माँ को तुमने ऐसा किया तो हटो क्या कर अबे लाइट बंद करो लाइट लाइट बंद चलो लाइट्स ऑन लाइट्स ऑन अच्छा 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 अब बहुत गर्मी हो रही है चलो बगीचे में चलते हैं ना माँ तुम देख लो हाँ 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 शादी पक्की होनी चाहिए बहन जी ये रिश्ता मैं पक्का समझूं अरे 2 रुपए की औकात नहीं तुम्हारी नाचने वाली तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस घर में अपना रिश्ता बनाओगी बहन जी हम नाचते जरूर हैं लेकिन कभी भीख मांग के नहीं खाया क्या झूठ बोल रही है बचपन से चोर है तुम लोग तेरी बेटी मेरे बगीचे से अमरूद चुराया करती थी अरे क्या अमरूद कितने अमरूद चुराए आपके है? कितने के थे वो यही कुछ 5.5 लाख के साढ़े पांच अरे वो मेरी बेटी है तोता थोड़ी इतना क्या बात कर रहे हैं आप जो भी हो देवदास से पारो की शादी नहीं होगी औकात भूल गई अपनी औकात वो दिन याद कर जिस दिन मेरे घर पे आई थी बहन जी थोड़ा सा धनिया दे दो मैंने तुरंत दे दिया आज छोटा सा बेटा मांग लिया तो अकड़ रही हो एहसान फरामोश कहीं की जब पारो पैदा हुई थी पूरे मोहल्ले में नाची थी एक पैर पर मैंने बस मैं भी कर देती हूँ इधर आओ वेलकम 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 यू लुक सो प्रीटी यू लुक वेरी प्रीटी टू तो आप दोनों ने पहली बार साथ में काम किया है yes. जी एक चीज हमें सुनने में आई है क्या कि आप संडे को सबको मैसेज करके सो गए कि ऑल द बेस्ट कल हमारी सीरीज आ रही है वगैरह वगैरह right. और मंडे मॉर्निंग नजारा कुछ और था जी तो वो नजारा प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए वेल दे था मंडे और हमारा जो शो है वो रिलीज हो रहा था और हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पे सारे एक्टर्स क्रू कास्ट सब लोग उसके ऊपर है और हम एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक वगैरह कर रहे थे और अगली सवेरे उठे और धनाधन मैसेज पे मैसेज कॉल्स मिस्ड कॉल्स मैंने कहा हो क्या गया है शो तो रिलीज हो गया ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई एंड पीपल वर सेलिब्रेटिंग बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शो रातों रात बहुत बड़ा सक्सेस हो गया 196 देशों और टेरिटरीज में उसको रिलीज किया गया एंड ऐसी जगहों में जहाँ पे ना क्रिकेट देखते हैं ना बॉलीवुड को देखते हैं उन देशों में भी लोगों ने उसे देखा सराहा एंड आई गॉट अ कॉल सेइंग कि सर ट्रेंड कर रहे हो तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है ट्रेंड करें नहीं सर ग्लोबली ट्रेंड करो सो दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी बहुत अच्छा लगा जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को पसंद करते हैं आपके शो को पसंद करते हैं सो इट फेल्ट ग्रेट इट वॉज थैंक यू क्रिकेट इज न्यू फॉर यू
Cricket is new for me. And do you follow cricket? Cricket is a religion in India. हम सब क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए हैं. And it was great fun working on something जिसमें cricket is in the center. Correct. Cricket is the star of the show. तो अगर आपको सच में मौका दिया जाए real life में, हाँ, एक cricket team बनाने का, हाँ, तो वो कैसी team होगी? क्या वो मुंबई मैवरिक्स जैसी टीम होगी या कुछ और होगा? मुझे क्रिकेट टीम बनानी होगी तो मैं यहाँ आके हायरिंग करूँगी, क्योंकि जैसे आप लोग सबको अपनी बातों पे नचाते हो, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. व्हेन आई केम हियर मुझे पता था कि बहुत हंसी आने वाली है, पर मुझसे गलती हो गई. मैंने वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं लगाया यार, क्योंकि मेरे हंसते हंसते इतने आंसू निकल रहे हैं कब से. आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू गाइस दैट इट्स सो सक्सेसफुल ऑलरेडी. क्या बात है. ड्रामा कंपनी मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे हाफ वे थ्रू हम इंटरवल पे हैं, लेकिन इतना मजा आया है तो आई एम वेटिंग फॉर डबल द फन. लेकिन सबसे खास मेरे लिए ये शो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इस शो के कप्तान टू इंडिपेंडेंट यंग गर्ल्स हु आर मेकिंग मी वेरी प्राउड. प्रीति एंड नीति, टेक अ बाउ. आई लव यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर बीइंग अ मैन. आई अंडरस्टैंड that it's not such an easy industry. It has a glass ceiling. कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए मुश्किल है. हम मर्द काफ़ी मुश्किल कर देते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में sheer talent की वजह से, entitlement की वजह से नहीं, पैसे की वजह से नहीं, but sheer talent और dedication और hardwork की वजह से इस स्तर पर ये पहुँचे हैं. I'm really proud of the two sisters. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Well done. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने देखा कि देवदास की मां ने पारो की मां के रिश्ते को इग्नोर किया, जिसके बाद पारो की मां ने खूब शोर किया. अब इश्क के मारे देव का हो गया है पीपी के बुरा हाल. लेकिन इसमें देव को पारो मिलती है या होता है कुछ और धमाल, आइए देखें. अरे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. देव बाबू, हाँ, आप एक नाचने वाले से शादी क्यों करना चाहते हैं? पता है क्या, बाहर जाके पैसे लुटे और सब खर्च हो जाते हैं. अभी क्या, इसको घर लेके जाएंगे, इसको नचाएंगे, घर का पैसा घर में, बीवी भी अपनी है कि नहीं. आए दिमाग दिमाग. देव बाबू, हाँ बोलो. आप नशे में हैं? अच्छा, ताली बजाओ भाई, इसको भी पता चला. अरे तू शादी की बात कर, शादी करेगी क्या? जी हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ. बोलो कबूल है? कबूल है. कबूल है? कबूल है. कबूल है? कबूल है. हो गई शादी, तीन बार हो गया. एक मिनट. अरे वाह यार, तूने इधर कभी ज्वाइन किया पारो? अरे वाह, ये शादी नहीं हो सकती. शादी हो चुकी है. हाँ, तुम्हारे लिए मैं अपने पति को छोड़कर आई हूँ. मेरा पति, ये तुझे मैंने तलाक दिया, तू यहाँ हारमोनियम बजा रहा है? उठ उठ. रे यार, मेरी शादी हो गई. ये, हाँ, ये देखो, ये मेरी बीवी. अच्छा ये बात है, तो अगली डेट कोर्ट में होगी. आई विल सी यू इन द कोर्ट. आई विल सी यू. अभी तो ऐसे रहना, हम लोग चलते हैं. हाँ. मुकदमा शुरू किया जाए. आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर. दैट्स ऑल योर ऑनर. अरे रुक जाओ यार, मुकदमा शुरू तो होने दो. अच्छा अच्छा. हाँ, तो पारो ने इल्जाम ये लगाया है कि देवदास ने उससे शादी करने के बावजूद दोबारा चंद्रमुखी से शादी की है और इससे पारो की जिंदगी बर्बाद हो गई. बर्बाद हो गई. बर्बाद हो गई. आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर. ओवररूल्ड.
कौन? आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, पहले प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष सामने रखे। पक्ष तो मैं लाया नहीं, ये रुमाल रख दो। अरे पक्ष मतलब बहस शुरू करो, बहस। हाँ योनर, सबसे पहले तो ये चश्मा आप रख लीजिए, क्योंकि मैं ये लगाता हूँ तो मेरे को कुछ नजर नहीं आता। अरे तो फिर चश्मा बनाया क्यों? क्योंकि मैं जूस पीता हूँ। एक मिनट, ये चश्मे का जूस से क्या लेना देना? अरे लेना देना है, क्योंकि मैं मौसमी का जूस पीता हूँ, वो छान के पीना पड़ता है, इसलिए मुझे चश्मा बनवाना पड़ा। वकील साहब फालतू की बात छोड़िए, हम हार जाएंगे। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ योनर, मेरी क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, जो ये कहती है वो कर दो, दैट्स ऑल योनर। अरे ऐसे कैसे? यहाँ पर पहले सबूत पेश करो, गवाह पेश करो। सबूत? इसका मतलब मेरी जुबान का कोई मूल नहीं, सबूत वो ही पुराने ख्यालात अंधविश्वास। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देव पारो का है, दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे बुड्ढे, अब से पहले वाले सीन में मेरी और देव की शादी हो चुकी है, देव मेरा पति है। बात तो ये लड़की ठीक कर रही है। अरे बात ठीक क्या कर रही है जज साहब, देव से मैं बचपन से प्यार करती हूँ, देव पे सबसे पहले मेरा हक है। बात ये भी लड़की ठीक कर रही है। ये बचपन बचपन का प्यार कुछ नहीं होता, जवानी का प्यार मुझे चंद्रमुखी ने दिया है। बात ये भी लड़का ठीक कर रहा है। हाँ अबे तू वकील है के चुगली लगाने आया यहाँ पे? इसीलिए मैं औरतों की बातों में नहीं आता। योनर केस शीशे की तरह साफ है, दैट्स ऑल योनर। अरे क्या साफ है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो मैं कर देता हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, दूध का दही और पानी का चाय होगा तो थोड़ा मजा आएगा। अरे यार, तुम लोग यहाँ पर कैंटीन खोलकर बैठे हो, चड्डा साहब आप क्या कर रहे हैं, हम हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? आप 100 रुपया 9 नंबर पे लगा दो, मैं जीतूंगा। ये 100 रुपया 9 नंबर पे लगा दो क्या मतलब है? ये कसीनो नहीं। यार ये कौन है रे? मैं ये केस जीत चुका हूँ, चड्डा साहब के पास कोई भी सबूत नहीं है। सबूत है, सबूत है, ये लीजिए योनर, इसे पढ़िए। अरे ये तो सीमा बार का गेट पास है। जी हाँ, सीमा बार 4 नवंबर सोमवार रात के 12:30 पे। अच्छा, सीमा बार में जो मैंने इंजॉय किया ना सर। एक बार, सिर्फ एक बार आप जाके देखो, आपको मजा आ जाएगा। अरे क्या बकवास है, ये सबूत थोड़ी है, ऐसा कैसे क्या लेने देना? क्या सबूत? आपको मेरी जुबान पे विश्वास नहीं, फिर वही सबूत सबूत। यार इसको वकील किसने बनाया? एक मिनट भाई साहब, इधर रहेंगे हम थोड़ा। आइए आइए इधर थोड़ा। एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई ऐसा कूलर उठा के आपके सर पे मारा हो और 3 दिन तक आप बेहोश पड़े हो? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज ट्राई करें, तेरी तो नहीं 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 नहीं। अरे इधर आ। टेक द हैमर। जज होके नहीं बचा सके आप। सॉरी मिस्टर चड्डा एंड मिस चड्डा, अभी इस केस को ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्या लग रहा है आपको, सॉल्व कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें ये केस क्रिकेट के साथ सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो इस केस को भी हम क्रिकेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पारो का। पारो आप गाना गाएंगी। हाँ? और जैसे ही आप गाना गाएंगी, तेज या धीर में जी, उसी पेस के साथ आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेलना है। ठीक है। और जो जीतेगा केस उसने जीत लिया। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। शुरू कीजिए। क्रिकेट का सामान यहाँ पे लेकर आओ। We'll be right back.
अरे शंभु दादा, मुझे लगता है इससे भी नहीं होगा सर। नहीं नहीं, इससे भी फैसला नहीं हो पाया, ये लोग सब पागल हैं। शंभु दादा आप ही डिसाइड करो। फैसला तो अभी करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे। दादा मुझे रिचे मैम से शादी करना है। झूठी शादी करा दो ना। झूठी शादी करा दो। इनसे शादी करना है मुझे। झूठी झूठी। आपको शादी करनी है? हाँ। अच्छा, हर रोज गलती, हर रोज गलती, हर रोज गलती। लेकिन देखो चाहत, मुझे मैडम से शादी करनी है। अबे पहले तो ये ठीक करके दिखा। अगली बार ठीक करने की कोशिश करेंगे दादा। क्या ठीक करके दिखाओगे? हर रोज गलती और वीजा लगा दो। ऐसे थोड़ी वीजा लगता है। तुम लोग का वीजा कैंसिल। दादा को तो मजा आया नहीं, बट हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आया। तो हम अगले शनिवार रविवार फिर मिलेंगे, फिर धमाल करेंगे, फिर ड्रामा करेंगे। तब तक देखते रहिए द ड्रामा कंपनी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।